देश का नहीं कराएंगे टुकड़ा, आपका टुकड़ा करेंगे, भाजपा का टुकड़ा करेंगे। जान लीजिए ये ऐलान है, ये इसको हमारा इकबालिया बयान समझिए आप। खिंचा जाएगा सरकारी कैमरे में, रहेंगे सरकारी घर में, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, वहां जियो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस। ये बेईमानी है, ये राष्ट्रवाद के नाम पे एक राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है और आपको जेएनयू की पड़ी हुई है। आप इस बात की चिंता में है कि जेएनयू में नारा लगा कि नहीं लगा, आपकी चिंता नारा नहीं है। अगर आपको चिंता होता नारे का और देश का, तो पिछले 5 साल में आप समझ गए होते कि जेएनयू किस बात के लिए लड़ रहा है। एक पत्रकार ने कहा कि आपको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला जाता है, हम बोले सरगना चीफ चीफ बोला जाता है। और यहां मंत्री जी के दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े बिना नकाब के इतने लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि हूं, देश का नहीं कराएंगे टुकड़ा, आपका टुकड़ा करेंगे, भाजपा का टुकड़ा करेंगे। जान लीजिए ये ऐलान है, ये इसको हमारा इकबालिया बयान समझिए आप, ये हमारा ऐलान समझिए आप कि देश को तोड़ने की आपकी साजिश, देश को नफरत के आग में जलाने की आपकी साजिश, बेईमानी के आधार पे आपकी राज करने की साजिश को नाकाम करेंगे। और आपको क्या लगता है कि आप कभी रिजर्वेशन को गाली दे करके, कभी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को गाली दे करके, कभी मेरिट का तर्क ला करके हमारी लड़ाई को गुमराह कर देंगे? आइए भेजिए जिसको भेजना है, जौन सा आपका सबसे सुयोग्य संतान है उसको भेजिए बहस करने के लिए। हम बहस करेंगे आपसे, हम आपको बताएंगे कि मेरिट क्या होता है। मेरिट ये होता है कि इस देश के गरीब से गरीब इंसान के बच्चे, पिछड़े से पिछड़े इलाके के बच्चे, काला हांडी से आते हैं भाई साहब, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा तो जानते ही हैं, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिस, ये सब भाषा तो वो जानते ही हैं। आपकी फर्राटेदार अंग्रेजी भी सीख करके एंट्रेंस देते हैं, पास करके नौकरी लेते हैं। और मेरिट की बात करते हैं, क्या मेरिट है आपके लल्ला का, जैसा का क्या मेरिट है, क्या मेरिट है? सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि उनकी शकल हूबहू अमित शाह से मिलती है, उस आदमी का क्या मेरिट है, उसको कैसे इस देश में बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? पूछेंगे कोई सवाल, कोई ठोकेगा ताल, बताएगा कि नेशन वांट्स टू नो। हम चैलेंज करते हैं आपको, है हिम्मत, करेंगे सवाल। जेएनयू से आपको चिढ़ इसलिए है कि जेएनयू सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाता है, जेएनयू सवाल पूछना सिखाता है। और वो रवायत हमारे भीतर है। और आपको यह लगता है पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये नारा लगाए हैं, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। अरे जेएनयू जब बचेगा तो आपका बच्चा भी पढ़ेगा, कोशिश करके देख लीजिए। देखिए आपको बच्चे को पढ़ाने में क्या तकलीफ होती है। और मेरी माँ को सरकारी नौकरी नहीं है, 3000 कमाती है, बताइए जेएनयू था, इतना पढ़ा के सिखा दिया है ना कि जो आप पे हुक्म चलाता है ना उसको हम आंख दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं। जेएनयू की बचाने की लड़ाई आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, आपके बच्चों के पढ़ने की लड़ाई है। इस देश में गरीब से गरीब इंसान ये सोच सके कि हम पीएचडी करेंगे, हम भी अंग्रेजी बोलेंगे, हम भी जीव टेढ़ी करके ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेंगे। ये आत्मविश्वास देता है ये यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी डराती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखता है कि आपके बटुए में पैसा कितना है, ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आप जूता किस ब्रांड का पहन करके आए हैं,
ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि मोदी जी की तरह आपने जर्मन चश्मा लगाया है कि नहीं लगाया है। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आपके पप्पा के पास लेटेस्ट एप्पल है कि नहीं है। ये यूनिवर्सिटी आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी के चलते आपको बेइज्जत नहीं करती है। ये यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है, आपके साथ बैठती है, आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है। इस यूनिवर्सिटी का गेट किसी को डराता नहीं है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। किसी मॉल में चलने वाला कोई 50% छूट की सेल वाला दुकान नहीं है।